दोस्तों आप सब का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे लूमिथर 80 टेबलेट के बारे में, आपको जानकारी देंगे किस तरह की दवाई है, किन किन परेशानियों में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा इसके डोजेज और साइड इफेक्ट के बारे में पूरा आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। लूमिथर 80 टेबलेट, जैसे कि आप स्क्रीन चैनल पर देख पा रहे हैं दोस्तों, तो थेमस इसको बनाती है। थेमस मेडिकेयर जो है एथिकल दवाइयाँ बनाने वाली एक कंपनी है, यानी एक एथिकल ब्रांड है। और बात करते हैं दोस्तों इसके सॉल्ट नेम की, तो आर्टिमेथर 80 mg में है और लूमिफेंट्राइन 480 mg में है। इसके अंदर जो है वो ये डिस्पेरसेबल टेबलेट है, यानी घुल जाती है, घुलनशील टेबलेट है। और ये ऑरेंज फ्लेवर में मिलती है क्योंकि खाने में भी इसको दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों लूमिफेंट्राइन और आर्टिमेथर जो है वो किस काम आती है, बात कर लेते हैं इस बारे में। ये एक एंटी मलेरिया ड्रग है, यानी मलेरिया को ये ख़त्म करने वाली दवाई है। मलेरिया के लक्षण की अगर बात करते हैं तो यदि पेशेंट को तेज़ बुखार है, सर्दी भी लग रही है बुखार के साथ में, या बुखार है के साथ में शरीर में कंपन है, या बहुत ज़्यादा सर दर्द है, या बुखार के साथ साथ उल्टी भी हो रही है, अगर इस तरह के लक्षण नज़र आ रहे हैं और टेस्ट मलेरिया का जो टेस्ट होता कराने पर पता चलता है मलेरिया, तो तब इस दवाई को चलाया जाता है। बहुत ज़्यादा हैवी मलेरिया अगर है, जैसे मलेरिया के लक्षण मस्तिष्क फेफड़ों गुर्दों तक पहुंच चुके हैं, तब यह दवाई काम नहीं करती है। अगर मैं इन दोनों सॉल्ट की बात करता हूँ तो दोनों सॉल्ट मलेरिया का जो परजीवी होता है उसको, उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसको ये नष्ट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो मलेरिया जो है वो ठीक हो जाता है, मलेरिया को ये क्योर करते हैं। दोस्तों ये जो दवाई है सिर्फ मलेरिया की ही काम में लाई जाती है, जो मलेरिया की परेशानी होती है, मलेरिया का जो, जैसे मैंने बताया कि मलेरिया के परजीवी को की झिल्ली को नष्ट कर देती हैं तो मलेरिया इससे ख़त्म हो जाता है। और बात आती है दोस्तों इसके अगर डोजेज के बारे में, तो बगैर डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसके अलावा हृदय रोगियों को भी इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात आती है दोस्तों इसके अगर मैं साइड इफेक्ट की, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की बात करता हूँ, तो वर्टिगो, एलर्जी, उल्टी, पेट दर्द या नौसा, वॉमिटिंग जैसी दिक्कतें इसके साथ में हो सकती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिले। तब जाना आपने लूमिथर 80 टेबलेट के बारे में, यह एक एंटी मलेरियल ड्रग्स है। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने हमारे चैनल मेडिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।